तो दोस्तों, इस वक्त हमारे सामने एक स्टॉक है जिसका नाम है भाग्यनगर प्रॉपर्टीज। शायद आपके लिए नया नाम हो, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हैदराबाद की एक फेमस, जिसे कह सकते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट फॉर्म है, जहाँ जो है ये प्रॉपर्टीज को बाई करती है, उन्हें लीज पे देती है और समय आने पर बेच भी देती है। इसके दो तरीके के सूत्र हैं कमाई के। एक है लीज रेंट, जो कि 30% है, आपके सामने दिख रहा है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 70%। अब आप कहेंगे इसके बारे में बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं इसमें जो है खरीदारी की राय देना चाहता हूँ, इसके कारण जो है धीरे धीरे करके खोलूंगा। सबसे पहला एक है कि दोस्तों, इस वक्त आप माहौल देखिए, रेट हाइक का माहौल है, राइट। रेट हाइक के माहौल में किसी भी कंपनी के लिए केपेक्स करना बहुत मुश्किल है, चाहे बिल्डिंग के फॉर्म में चाहे ऑफिस के फॉर्म में, मुश्किल है, क्योंकि रेट हाइक है और इंटरेस्ट रेट बहुत ऊंचाइयों पर है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है लोग लीज पे जाना जो है ज्यादा प्रेफर करेंगे। आप देख सकते हैं कंपनीज की बैलेंस शीट में लीज वाला जो कॉलम है, ऑलमोस्ट हर कंपनी की बैलेंस शीट में इस साल लीज में जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, लीजेबल एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ना कि ओन्ड एसेट्स में। ये मैं आपको जो है ओवरऑल एक जो है बता रहा हूँ, एक ओवरऑल सेंटिमेंट जो है इस वक्त। तो मेरी वाली बात कंफर्म है कि लोग जो है लीज लेना ज्यादा पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू ओनिंग एन एसेट, राइट। सो ये कंपनी के लिए फायदा है। अब इसकी ज्योग्राफी डिस्कस कर लेते हैं। भाग्यनगर, जिसे जो है हम हैदराबाद भी कहते हैं, और हैदराबाद में जो है इसकी ऑफिसेज हैं, और हैदराबाद में बड़े बड़े जो, हैदराबाद आपको ही पता है आईटी के लिए माना जाता है, खासकर के ई कॉमर्स के लिए माना जाता है। ई कॉमर्स के जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो ई कॉमर्स के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो इसके क्लाइंट्स हैं, इंक्लूडिंग अमेजोन, इंक्लूडिंग बिग बास्केट। आप देख सकते हैं स्क्रीनर में डिटेल में दिया हुआ है सब कुछ, राइट। अब ये एक लीज वाला फैक्टर तो है ही अपने आप में, लेकिन दूसरा फैक्टर ये है कि ये जो है एक्सपांड कर सकता है, कहीं ना कहीं ये और एक्सपांशन कर सकता है। इसके पीछे एक कारण है, जितना मैं देखता हूँ, अगले साल शायद 2023 के इसी टाइम पर दिसंबर में तेलंगाना में इलेक्शन होने वाले, यानी हैदराबाद भी आ गया उसमें, राइट। बीजेपी अपना भरपूर प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से करंट गवर्नमेंट को हटाया जाए वहां और खुद आ जाए। जब जब बीजेपी कहीं कहीं, हम नरेंद्र मोदी की जितनी भी, नरेंद्र मोदी जी के जितनी भी जो है आप रैलीज देख लो, वहां कुछ ना कुछ वो स्कीम ला रहे हैं, जहां जहां वो इलेक्शन के लिए जाते हैं वहां वो स्कीम ला रहे हैं। निश्चित तौर पर एक चीज प्रेडिक्टेबल है कि 2023 दिसंबर के इलेक्शन में जो है तेलंगाना में नरेंद्र मोदी जी जाएंगे और वहां भी कुछ ना कुछ स्कीम्स का उद्घाटन करेंगे, और ये स्कीम्स जो होंगी वो आईटी रिलेटेड स्कीम्स होंगी होंगी होंगी। इससे ई कॉमर्स प्लेयर्स को फायदा होगा और एफआईआईज इनफ्लो भी आएंगे, और एफआई बड़े बड़े प्लेयर्स भी शायद आए इंडिया और हैदराबाद में ऑफिस खोले, और जो है भाग्यनगर प्रॉपर्टीज विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट, राइट। भाग्यनगर प्रॉपर्टीज क्यों बेनिफिशियरी होगी, उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत सारे कारण है। पर अभी हम आते हैं मुद्दे की बातों पर कि स्टॉक जो है वो 21 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं कंपैरिजन करूं इसके पीयर्स से कंपैरिजन करूं तो ये जो है सबसे लेस है। पहली बात तो ये जो पीयर्स स्क्रीनर ने दिए, मैं इसको इसका पीयर्स मानता ही नहीं, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स है। भाग्यनगर प्रॉपर्टीज का कोई कंस्ट्रक्शन से लेना देना नहीं है, तो बाय करते हैं हम प्रॉपर्टीज, लीज पर डालते हैं, समय आने पर बेच देते हैं, राइट। तो पर फिर भी मान लेते हैं कि स्क्रीनर वाली बात सही और अभिनव चतुर्वेदी गलत है, तो भी इसका लोएस्ट पीई है, राइट। मैं प्राइस टू सेल्स को भी कंसिडर करता हूँ, बहुत ज्यादा प्राइस टू सेल्स जो है इसका थोड़ा बहुत ज्यादा है इसका, और ये जो है इसके लिए डेंजर भी साबित हो सकता है, लेकिन और भी चीजें हम डिस्कस करते हैं साथ साथ में। मैं टेक्निकल एनालिसिस पर भी आऊंगा, इसकी चार्ट क्या कह रहे हैं उस पर भी आऊंगा, पर स्टॉक का पी जो है काफी नॉर्मलाइज है। इसका जो तीसरी जो मैं सबसे अच्छी बात बताने वाला हूँ कि बुक वैल्यू इसकी 37.9 है और इसका प्राइस जो है 40, सो 1 पॉइंट समथिंग का ही बुक प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, जो कि बहुत चीप है, राइट। अगर ये कंपनी 37.9 के भी नीचे चली जाती है तो भी आपका, अगर ये डीलिस्ट भी होती है, कुछ भी होती है, अच्छा डीलिस्ट से ज्यादा एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, इस कंपनी ने पास्ट में डीलिस्टिंग का भी प्रयास किया था। डीलिस्टिंग यानी वो मजबूरी वाली डीलिस्टिंग नहीं, इन्होंने डीलिस्ट का प्रयास किया, यानी प्रमोटर ने कहा कि भाई मैं पूरी कंपनी खरीद लेता हूँ। प्रमोटर अक्सर ये तभी करता है जब प्रमोटर अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस होता है और वो शेयर होल्डर का इंटरफेरेंस नहीं चाहता, और प्रमोटर जो है कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा होता है, तभी ऐसा सब हो सकता है। और वो डीलिस्टिंग फेल हो गई क्योंकि शेयर होल्डर ने मना कर दिया, हम आपके शेयर बेचेंगे नहीं आपको, हम आपकी कंपनी में ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और वो कहीं ना कहीं हुआ भी। अच्छा, अब आप कहेंगे अभिनव चतुर्वेदी ऐसा भी तो हो सकता है, सिर्फ जो है लॉजिक प्रूव करने के लिए ऐसा फैक्ट होता रहे, नहीं 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 दोस्तों, गवर्नमेंट कभी भी इसमें इन्वेस्टेड नहीं थी, आप देखें, लेकिन सितंबर 2020
2022 में गवर्नमेंट ने इसमें स्टेक बढ़ाया है अपना, गवर्नमेंट ने इस कंपनी में एंट्री ली है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एंट्री ली है, ठीक है। प्रमोटर ने इसमें 75% स्टेक था, लेकिन इसने सितंबर में 90% कर दिया स्टेक को, क्योंकि 15% यानी 15% जो है राइज आया है प्रमोटर स्टेक में, ये मामूली बात नहीं। डीआईआई इसमें सिर्फ और सिर्फ 0.02 स्टेक रखती थी पिछले क्वार्टर तक, लेकिन वह वापस 0.87 तक आ गए, क्योंकि पहले भी 0.2 आ चुकी है। डीआईआई वाला पॉइंट इतना कुछ वेट नहीं दे रहा मेरे इस पॉइंट को, क्योंकि पहले भी 0.87 था और अभी वापस 0.87 हो गया है। सो ये सारी बातें इससे ये लग रहा है कि अभिनव चतुर्वेदी फेंक नहीं रहा है कुछ भी, राइट, इससे ये बातें तो साबित हो चुकी है। अच्छा, और जाते हैं हम आगे इसके फाइनेंशियल्स पर, थोड़ी बहुत जो है डिस्कशन करते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल्स पर अगर मैं डिस्कशन करूं तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मार्च 2021 से मार्च 2022 में लगभग सेल्स में इसकी जो है वाई ओ वाई 28% ग्रोथ आई है, नो डाउट। नेट प्रॉफिट पर अगर थोड़ी बहुत नजर कर लें तो नेट प्रॉफिट में भी लगभग 50% जितना अपसाइड आया है। ओके, अब सोचने वाली बात यह है कि इसकी जो बोरोइंग्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी है। बोरोइंग्स हैव ग्रोन बाय 3x 300% ऑलमोस्ट 350% इन वन ईयर ओनली, राइट। और मार्च 2020 की जो बोरोइंग्स थी उसको भी क्रॉस कर गई है, तो एडिशनल 3 करोड़ रुपए का ही एडिशनल बोरोइंग हुआ है। और बोरोइंग्स में भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है वो। अब फिक्स्ड एसेट्स में भी एक अच्छा एक्सपांशन आया है, लैंड बैंक कंपनी ने जो है खरीदा है, यानी कंपनी जो है उस पर प्रॉपर्टीज बिल्ड करेगी अभी। ओके, जहां तक मैं बात करता हूं कि कैश फ्लो भी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी वहीं का कुछ मामूली से एक गिरावट आई है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल इसकी कम हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है। शायद डेटर डेज ही दिए हुए हैं, इन्वेंटरी डेज और डेज पेबल नहीं दिए हुए हैं, इसके लिए कैश कन्वर्जन साइकिल को एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। पिछले साल जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था वो था 2.3% और इस साल 4.17, जो कि एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। ये सब ठीक है, ये सब रहने दो, मुद्दे की बात यह है रेड फ्लैग्स हैं इसमें। और जब भी किसी कंपनी में थोड़े बहुत रेड फ्लैग्स होते हैं तो अभिनव चतुर्वेदी कहता है एक साथ कभी लगाना ही मत उस कंपनी में, क्योंकि इसके दूसरे दो कारण। कारण ये है कि तेलंगाना इलेक्शन 2023 में, राइट, 2023 में तेलंगाना के इलेक्शन है, तो वो चीज में बहुत देर है जो कि मैं सोच रहा हूं, तो शायद मार्केट अभी उस चीज को माप ना पाए और करंटली जो है लोग जो है बेचने लगे इस स्टॉक। तो इस स्टॉक के लिए एक तगड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसकी मदद हम चार्ट से लेंगे। देखिए चार्ट से इसमें बुलिश ट्रेंड में क्यों बोल रहा हूं, बुलिशनेस क्यों है इस पूरे स्टॉक में। चार्ट में आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस 42 का बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 42-43, आप एवरेज 43 ले लीजिए, इसका रेजिस्टेंस बड़ा तगड़ा है 43 का ऑलमोस्ट। और ये जिस तरीके से रेजिस्टेंस बना रहा है उससे ये लग रहा है कि ये रेक्टेंगल पैटर्न है, यहाँ कोई शोल्डर हेड एंड शोल्डर ये फलाना ये सब नहीं बनने वाला, इट्स अ रेक्टेंगल पैटर्न ऐसा मुझे लग रहा है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन हेड एंड शोल्डर, नो डाउट, उसको भी हम एच करेंगे किसी भी तरीके से, बट ये रेक्टेंगल पैटर्न है। और रेक्टेंगल पैटर्न में जब भी ब्रेकआउट आ गया अगर इसमें तो ये फिर रुकने नहीं वाला। और जो मैं जितना मैथमेटिकल मेरी लगा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स लगा रहा हूँ, ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 56 होगा, यानी इससे 40% अप, राइट। एक इलॉजिकल रीजनिंग देता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने मेडिको इंटरकॉन्टिनेंटल ही आपको सजेस्ट किया था, जो कि आज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, वो भी ऑलमोस्ट इसी रेट पर दिया था, और कोइंसिडेंटली उसका भी बैकग्राउंड एक टाइम पे लीजिंग का ही था। मानता हूँ ये इलॉजिकल रीजनिंग है, क्योंकि अभी वो जो है लीजिंग का काम नहीं करती है, पर उसका बैकग्राउंड भी लीजिंग का ही था। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि भाई लीजिंग का था और वो भी आज डबल हुई है, तो ये भी शायद हो सकती है इलॉजिकल रीजनिंग है, अभी भी बोल रहा हूँ इसको इस रीजनिंग को ज्यादा वेट मत देना एनालिसिस, राइट। अच्छा, अब मैं आपको इस स्टॉक में उतरने की एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि इसमें क्यों कैसे हम जो है रिस्क मैनेज करेंगे इस स्टॉक में। आपको एंट्री लेनी है 43, कितने में 43। आपको नेक्स्ट अपनी बाइंग करनी है पहले 43 पे 50% क्वांटिटी, और आपको नेक्स्ट बाइंग करनी है 30 पे विथ रिमेनिंग 50% क्वांटिटी। मान लेते हैं 30 का लेवल भी टच होता है तो 43 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, सो एवरेज कॉस्ट कितनी होगी, एवरेज कॉस्ट होगी 36 रुपए की। 36 रुपए पे आपको 36.5 की आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, टारगेट होगा 56 का,
और स्टॉप लॉस होगा 26 का, राइट। सो 10 रुपए का रिवॉर्ड, 20 रुपए का रिवॉर्ड, 10 रुपए का रिस्क। सो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जिससे जिसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, एंट्री होनी चाहिए, पहली एंट्री होनी चाहिए 43 पे। अगर 43 क्रॉस करता है तो अभी मत लेना एंट्री, 43 अगर क्रॉस करता है तो इसमें एंट्री जो है आपको लेनी है 50% क्वांटिटी से, फिर एंट्री लेनी है आपको रिमेनिंग 50% क्वांटिटी से अगर 30 रुपीज टच करता है। आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 36 रुपए, स्टॉप लॉस लगाना है 26 का, टारगेट लगाना है 56 का, राइट। अगर ये ऊपर जाता है, मान लो 30 आया ही नहीं, तो आपके पास तो ऑलरेडी 50% शेयर पड़े हैं, आपको 40% एप्रिसिएशन मिल जाएगा और ओवरऑल कैपिटल में 20% एप्रिसिएशन मिल जाएगा, जो कि अभी बहुत ज्यादा माना जाता है मार्केट का। और अगर वो नीचे जाता है तो आपको 40% एप्रिसिएशन के दावेदार बन जाएंगे, राइट, ओवरऑल कैपिटल। ओके, कैसी लगा मेरा वीडियो? कोई भी डाउट हो तो 6354499576 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।